हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AMH मोबाइल टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लाए हैं वो सैमसंग का जो नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है 22 नवंबर को, आज वो वीडियो हम उसके ऊपर लाए हैं। तो दोस्तों, आप सोचोगे कि हमने आपको मॉडल नंबर तो बताया नहीं, सिर्फ कंपनी बताया है। तो दोस्तों, हम आपको मॉडल नंबर भी बताएंगे, उसके लिए हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे और आपको दिखाते हैं कि हम आज सैमसंग के किस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 22 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो पे। देखिए दोस्तों, गैलेक्सी J8 Plus है, आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी J8 Plus। और हम दिखा देते हैं आपको, कुछ इस तरह का इसका लुक है। आप देखिए, बैक का लुक इस तरह है, फ्रंट का इस तरह से है। काफ़ी स्लिम डिजाइनिंग का फ़ोन है। इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो लगभग 16 से 19 हज़ार के बीच में इसका प्राइस होगा और ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाला है। ठीक है, सैमसंग रिलीज डेट नवंबर 22, 2018। तो एक्चुअल प्राइस इसका रिलीजिंग के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, हम इसमें आपको बता देते हैं ब्रांड, तो आपको पता ही है सैमसंग है। सैमसंग अपने आप में बेहतरीन है। मॉडल नंबर गैलेक्सी J8 Plus है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 8.1 का ओरियो, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। सिम स्लॉट आपको मिल रहा है डबल सिम। इसके साथ आपको सिम साइज मिलेगा, दोनों सिम मिलेंगी नैनो। नेटवर्क में आपको 4G अवेलेबल है, 4G, 3G, 2G आप कुछ भी चला सकते हो, सब अवेलेबल है। और सबसे बेहतरीन कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, फैशनेबल है। कलर दोस्तों, अभी आपको इसमें ब्लैक ही मिलेगा, क्योंकि रिलीज होने के बाद ही इसमें और कलर अवेलेबल होंगे, फिलहाल ब्लैक में ही है। जब दोस्तों हम कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमारे मन में यही सवाल रहता है कि डिस्प्ले साइज क्या है। तो आपको इसमें स्क्रीन साइज जो मिलेगा वो 6 इंच का मिलेगा। और इसमें आपको ये फ़ोन आपको Full HD में मिलेगा। इसके अलावा पिक्सल की जो डेंसिटी आपको मिल रही है वो 274 PPI की मिल रही है। और डिस्प्ले इसमें दोस्तों सुपर एमोल्ड है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। और आपको मल्टी टच मिल रहा है। इसके अलावा मेन जो हमारे लिए होता है वो प्रोसेसर होता है, जो कि आपको इस फ़ोन में ओक्टा कोर का 1.8 GHz का मिल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात आती है कि हमारे फ़ोन में जब हम कभी भी फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो चार चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पहला, रैम क्या है, दूसरा इंटरनल मेमोरी क्या है, तीसरा बैटरी कितना है, और चौथा तो दोस्तों हम इसमें बता देते हैं आपको कि जो हमारा रैम है वो आपको इसमें 4GB रैम मिल रहा है। काफ़ी अच्छा रैम है, 4GB रैम काफ़ी होता है। प्लस आपको इसमें इंटरनल मेमोरी जो मिलेगी वो 64 GB मिलेगी, और आप इसमें 256 GB एक्सपेंडल मेमोरी लगा सकते हो। अलग से आप 256 GB तक लगा सकते हो, इंटरनल आपको 64 GB मिल रही है। अब बात करें कैमरे की, तो इसमें हमें 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल रहा है, और नहीं 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल रहा है। इसके अलावा हमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का बेहतरीन कैमरा मिल रहा है। और इसमें आपको सैमसंग ने LED भी प्रोवाइड किया है, इसमें LED फ्लैश भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में हाई HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको इस फ़ोन में
डिजिटल जूम वगैरह, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस वगैरह सारे मिल रहे हैं। अब बैटरी की बात करें तो बैटरी दोस्तों इसमें 3500 mAh की मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बेहतरीन बैटरी है। और इसमें आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ है, USB कनेक्टिविटी है और OTG कंफर्टेबल फ़ोन भी है। और इसमें बात करते हैं हम अदर सेंसर की, तो आपको लाइट सेंसर मिल रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल रहा है, एक्सेलेरोमीटर का मिल रहा है, कंपास, गायरोस्कोप सेंसर वगैरह मिल रहा है। तो कुल मिला के 19,000 में ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है सैमसंग, और सैमसंग का तो नाम ही काफ़ी होता है। सैमसंग अच्छी कंपनी है और इसका जो ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है, ये 22 नवंबर को आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जितने भी सैमसंग से प्यार करते हैं या आपको सैमसंग के फ़ोन पसंद है, तो 22 नवंबर को ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें कि सैमसंग से प्यार करने वाले लोग इस मॉडल को ख़रीद सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।